हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा और आप देख रहे हैं ब्यूटी टिप्स FYI। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल DIY। तो गाइस, जैसा आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तो इस लॉकडाउन की वजह से ना तो हम किसी पार्लर या सैलून जाके फेशियल ले सकते हैं और ना ही कॉस्मेटिक शॉप्स खुली हुई हैं जहाँ से जाके हम अपना स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद सकें और या फेशियल किट खरीद सकें और फेशियल कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी 6 ईजी स्टेप्स का एक फेशियल। ये फेशियल आपको आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। स्टेप वन के लिए हमें चाहिए कच्चा दूध। मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जितना कच्चा दूध लिया है, यानी रॉ मिल्क है ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लेमन जूस। सात से आठ ड्रॉप काफ़ी रहेंगी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ हो गया है और ये हमारा क्लिंजिंग मिल्क है और हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस पे अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन बॉल्स का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कॉटन है, रॉ कॉटन है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हल्के हाथों से अब इसे थोड़ा सा मसाज करना है। इस स्टेप से आपके फेस पे जो भी डर्ट पोल्यूशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो अब हमें इसे अपने फेस पे एक मिनट के लिए रखना है। तो जब तक ये हमारे फेस पे है तब तक हम अपने स्टेप टू की तैयारी कर लेंगे। तो स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच बेसन और आधा चम्मच चावल का आटा। आपके पास इन दोनों में से अगर चावल का आटा या बेसन नहीं है तो आप इन दोनों में से एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी जितनी हल्दी और अब हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्क्रब बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्लिंजिंग मिल्क जो हमने अपने फेस पे अप्लाई किया था वो पूरा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे साफ कर लूंगी। ये मैं इसे गीले टॉवल से साफ कर रही हूँ। और अब हम अपना स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैं अपने हाथों से अप्लाई करूंगी। इसे हल्के हाथों से मसाज करेंगे अपने फेस पे। तो इस स्टेप से आपका जो भी डेड सेल्स होंगी आपके फेस पे वो रिमूव हो जाएंगी और आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। इसको आपको 2 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है बहुत अच्छी तरीके से। और अब हम इसे थोड़ा सा, जब ये सूख जाएगा उतनी देर के लिए इसे छोड़ देंगे और जब तक ये सूख रहा है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने तीसरे स्टेप की। स्टेप 3 के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच एलोवेरा जेल और अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ग्लोइंग जेल बनके तैयार है। सो स्टेप 4 के लिए हमें चाहिए हनी। तो मैंने यहाँ पे लगभग एक चम्मच जितनी हनी ली है, ये एक बड़ा चम्मच जितनी हनी है। और अब हम इसमें जो बचा हुआ लेमन था उसे भी स्क्वीज करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो अब ये हमारी क्रीम बनके तैयार है और अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे।
सो हमारा स्क्रब पूरी तरह से सूख चुका है और अब हम इसे साफ कर लेंगे। तो अब हमने स्क्रब साफ कर लिया है और अब हम अप्लाई करेंगे ये ग्लोइंग जेल। इसे मैं अपने फिंगर्स पे अप्लाई करूँगी और फिर से अपने फेस पे अप्लाई करके अच्छे से मसाज करूँगी। बहुत ही अच्छे से मसाज करनी है आपको लगभग 2 मिनट तक बिना रुके। सो गाइस, इस जेल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। इसे तब तक मसाज करना है जब तक आपका जो जेल है पूरा अच्छे से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब्सॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन में और अब हम इसी के ऊपर जो हमने अपनी क्रीम तैयार की है उसे अप्लाई करेंगे। इसे हम अपने हाथों से ही अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। पहले हाथों पे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे अप्लाई करेंगे। अगर इस फेशियल का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है तो बी पेशेंस और आप बस इन सारे स्टेप को फॉलो करते जाइए। इसे भी लगभग हमें 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करनी है। और अब हम इसे साफ कर लेंगे। मैं इसे एक बीगी टॉवल से साफ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे वॉश कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपना फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए खाली कंटेनर और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड किया है इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 चम्मच जितना डर्ट सी मड पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अभी हमारा पेस्ट तो बन गया है और अब हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है टी ट्री ऑयल। इसमें हमें 2 से 3 ड्रॉप ऐड करनी है इसकी और अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये हमारा फेस पैक बनके तैयार है। अब हम ये फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये लग गया है और अब हम इसके सूखने का वेट करेंगे। सो फाइनली स्टेप 5 के लिए हमें चाहिए एक ग्लास बोल, मैंने यहाँ पे लिया है छोटा सा ग्लास बोल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज वाटर और 1/2 चम्मच ग्लिसरीन। और इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप लेमन की। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा स्टेप 5 यानी कि ग्लोइंग सीरम भी बनके तैयार है और आप देख रहे हैं मेरा फेस पैक सूख गया है और अब मैं इसे साफ कर लूँगी। मैं बोल रही हूँ इस फेस पैक को लगाकर, लेकिन आप लोगों को इस फेस पैक को लगाने के बाद हंसना या किसी से बात नहीं करनी है। गाइस, मैंने अपना फेस पैक साफ कर लिया है। फेशियल के बाद अपने फेस को इसी तरह से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो हमने अपना सीरम तैयार किया था अब हम वो सीरम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लेना है आपको।
डन, तो हमारा फेशियल कंप्लीट हो गया है। ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस जो मैंने आज आपको फेशियल DIY बताया है, इस DIY को आप फॉलो करिए और आपका जो भी रिजल्ट आता है प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और भी अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।